अब हम बात करेंगे बेटा एंगल ऑफ रिपोज। कल हमने बात की थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज की। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज की अगर मैं बात करूं बेटा, आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी ब्लॉक को किसी स्लाइडिंग एक तरीके से मटेरियल के ऊपर रखें, जैसे स्लाइड्स देखी होंगी आप लोगों ने, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि कितना भी चाहे स्लाइड हो और ब्लॉक रखते ही स्लाइड होना शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं है। अगर मान लिया मैं इतने एक तरीके से एंगल पे, जैसे ये एक तरीके से आपका प्लेन हो गया और इस प्लेन के साथ मान लिया चलो सपोज इतने एंगल पे खाली मैं इसको रखता हूं अपने स्लाइडिंग को, तो क्या तब भी ब्लॉक स्लाइड हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। फिर मैंने थोड़ा सा इसको और चेंज किया, थोड़ा और चेंज किया, थोड़ा और चेंज किया, तो आप देखेंगे कि किसी ना किसी एंगल पर मुझे एक ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि जैसे ही मैं इसको रखूंगा वेट को इसके ऊपर, तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा बेटा, आपका स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। क्लियर बात? तो जिस एंगल पर हमारा ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दे, ठीक है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, आपका एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। एक बार और समझ लीजिए, हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी अगर एक तरीके से स्लाइड है आपके पास, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्लाइड चाहे भले ही छोटे एंगल पे हो ब्लॉक को आपकी स्लाइड करा सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाता हूं एंगल को, तो एक कंडीशन आपके सामने बिल्कुल ऐसी आएगी जहां पर ये जो ब्लॉक है आपका ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। क्लियर बात? तो इसी एंगल को क्या बोलते हैं बेटा, आपका एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। क्लियर बात? तो अगर इसको फाइंड आउट मैं करना चाहता हूं, तो मैंने यही काम किया, ये एक स्लाइड ले लिया और स्लाइड के साथ मान लिया अल्फा, ये एक एंगल है बेटा, ये रिपोज एंगल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो वेट है, जो मैंने ब्लॉक रखा हुआ है, एम जी नीचे की तरफ को लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है सॉरी, तो ये भी कितना होता है आपका, ये भी अल्फा होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका एम जी कोस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा आपका एम जी साइन अल्फा। तो जब स्लाइडिंग से पहले की अगर मैं बात करूं, तो दोनों फोर्स आपस में बराबर रहेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि F इक्वल्स टू कितना होना चाहिए आपका एम जी साइन अल्फा के, और R इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बेटा आपका एम जी कोस अल्फा के। ऐसे ही होता है, वर्टिकल फोर्स वर्टिकल के बराबर होता है और हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होता है। तो अगर ये इक्वेशन वन है मेरे पास और ये टू है, तो अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं यहां से, तो एम जी से एम जी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, तो टेन अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना होता है एफ अपॉन आर। बराबर? और कल हमने एक चीज और देखी थी, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था हमारा, कि टेन थीटा भी किसके बराबर होता है आपका एफ अपॉन आर के। तो यहां पे अगर आप देखें, तो ये जब लेफ्ट साइड दोनों की राइट साइड सॉरी बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि टेन अल्फा इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका टेन थीटा के, या दोनों का अगर मैं इनवर्स यूज करता हूं, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना होता है बेटा आपका, यानी कि हमें ये चीज और पता लगती है कि जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और जो आपका एंगल ऑफ रिपोज है, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं बेटा आपके, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज भी हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी बेटा, ठीक है, इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, इसको आप लोग एक बार पढ़ें।